नमस्कार, मैं अर्जुन रावत और स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिए और डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए। दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जो आज का ये वीडियो है, ये मैं उन दो कंपनियों के बारे में दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ या इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करूंगा, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये सही टाइम है इन दोनों स्टॉक्स में माल उठाने के लिए, और अब क्या करना चाहिए दोस्तों जो इसके इन्वेस्टर हैं या जो इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों दो ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों, ये HEG एंड ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, जो कि दोस्तों पहले कुछ सालों पहले 3-4 साल पहले स्मॉल कैप में थी। इन्होंने 2017-18 में बहुत अच्छे रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को, और फिर उसके बाद जब दोस्तों 18 में स्मॉल कैप कंपनीज में फिर से डाउनफॉल शुरू हुआ, तो ये कंपनियां दोस्तों मिड कैप से धीरे धीरे फिर से स्मॉल कैप में आ गई हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इन दोनों कंपनियों के बारे में। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों एक कंपनी के बारे में, जो कि है HEG लिमिटेड। दोस्तों ये क्या काम करती है? दोस्तों HEG लिमिटेड जो है दोस्तों ये काम करती है, इलेक्ट्रोड्स बनाती है और वेल्डिंग इक्विपमेंट बनाती है, और साथ ही साथ दोस्तों पिछले 2-3 साल पहले इन्होंने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। तो ये तो है इसका एरिया जहाँ पे कि ये काम करती है। एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो इलेक्ट्रोड्स काम आते हैं जब स्टील का प्रोडक्शन होता है, तो स्टील इंडस्ट्री में काम आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोड्स। और वेल्डिंग इक्विपमेंट आप लोगों को पता होगा कि घर में अगर लोहे का कुछ काम हो रहा है, आयरन का कुछ काम हो रहा है, तो वेल्डिंग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो ये इनका मेन ऑपरेशन है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इस कंपनी का 2,157 करोड़ रुपए का। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 559 रुपए का, और अर्निंग पर शेयर है 244 की, जो कि बहुत ही अच्छी है दोस्तों। पी रेशियो देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही नीचे है और सिंगल डिजिट से भी बहुत कम पे है दोस्तों। केवल 2.25 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कि इस कंपनी का पहले नहीं मिलता था जब ये अपने हाई पे चल रहा होता था। इस कंपनी का शेयर दोस्तों लगभग चलता था 4,000 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा था पिछले 2 साल पहले ही, लेकिन अभी ये घट घट के आ गया दोस्तों 500, 550 पे ये ट्रेड हो रहा है। 52 वीक का हाई दोस्तों इसने बनाया है 2,158 का, और 52 वीक का लो बनाया है 413 का। तो यहाँ पे ये भी देखने लायक है दोस्तों कि ये कंपनी लगभग अपने 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं 110% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों इस कंपनी का 144% का। और डिविडेंड यील्ड देख लीजिए दोस्तों 3.82% की। स्मॉल कैप कंपनी है और डिविडेंड यील्ड दे रही है दोस्तों आप लोगों को 3.82%, जो कि अट्रैक्टिव है दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों इसका वैल्यूएशन की इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि पिछले 5 सालों में इसने किस तरह के रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। 5 साल पहले दोस्तों ये ट्रेड कर रहा था 217 पे, और वहीं देख लेते हैं अभी लगभग 550 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगभग 1.5 गुना तक रिटर्न इस कंपनी ने दे दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को। 2 गुना तो कर दिया है पिछले 5 सालों में दोस्तों, यानी कि किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो अभी उसके पास लगभग 1.5 लाख नहीं दोस्तों, 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए होते तो 2 लाख रुपए तक उसके पैसों को ये कंपनी बना देती दोस्तों। वही जो मैंने बताया था दोस्तों 2017-18-19 में इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे। यहाँ से दोस्तों ये कंटिन्यूअसली ग्रेजुअल जो आपको अपसाइड दिखाई दे रहा है, और यहाँ तक गया, ये 4,000 से भी ऊपर गया है दोस्तों। ये लगभग 4,200-4,300 इसने टच किया था, वहां से फिर इसका डाउनफॉल शुरू हुआ 2019 के स्टार्ट से दोस्तों। तो यहाँ पे तो इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए। एक चीज बता देता हूँ दोस्तों कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस का कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है, या गारंटी नहीं होती है कि जिस कंपनी ने पास्ट में अच्छा रिकॉर्ड दिया है, अच्छा रिटर्न दिया है, वो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे। लेकिन शेयर मार्केट क्या है दोस्तों, आप लोग शेयर मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो, आप लोग ये भी अज्यूम नहीं कर सकते हो कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देख के, उसके प्रोडक्ट देख के, उसका डाटा देख के ही अज्यूम करना होता है कि फ्यूचर में क्या ये कंपनी कर सकती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देख लेते हैं इसका रिटर्न और सेंसेक्स के साथ कंपेयर करेंगे कि किस तरह के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं और किस तरह के रिटर्न सेंसेक्स ने दिए हैं। HEG लिमिटेड दोस्तों इस कंपनी का नाम है। रिटर्न पहले एक दिन का रिटर्न देख लेते हैं दोस्तों। सेंसेक्स ने दिया था -0.58% का, वहीं HEG ने दिया है दोस्तों 10% का। 1 वीक का दिया था दोस्तों सेंसेक्स ने 5.76% का, और HEG ने दिया है 10.55% का। 1 मंथ का दोस्तों सेंसेक्स का रिटर्न है -20 का, और इसका -3 का है दोस्तों। 1 ईयर का दोस्तों सेंसेक्स का रिटर्न है -22, वहीं HEG ने दिया है दोस्तों -72%। यानी कि अगर किसी इंसान ने 1 साल पहले
एचईजी में आपने पैसे लगाए होते 1 लाख रुपए, तो उनको ये घटा घटा के दोस्तों अभी बना देता केवल 28,000 रुपए। तो इतना नेगेटिव गया है दोस्तों ये स्टॉक। 3 साल का रिटर्न दोस्तों आप देख लेते जिसकी मैं बात कर रहा था, सेंसेक्स ने दिए हैं मात्र 0.63%, वहीं दोस्तों एचईजी ने दिए हैं 106% का रिटर्न दोस्तों। यानी कि 3 सालों में शेयर होल्डर के पैसों को इसने डबल कर दिया है दोस्तों, और सेंसेक्स के मुकाबले तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब देख लेते हैं दोस्तों 10 साल का डाटा, 10 साल में सेंसेक्स ने दिया है 68% का रिटर्न, इसने दिया है 52% का रिटर्न। तो ये तो रहा दोस्तों इसकी फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल डेटा और पिछले 5 से 10 सालों का रिटर्न कैसा रहा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो इस कंपनी में शेयर होल्डर अभी जो मैंने देखा था इनका, कि जिनकी जो प्रमोटर हैं इसके, प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो 59% के करीब है, जो कि काफ़ी अच्छी है। पिछले 5 सालों का आरओसीई का जो इनका एवरेज है दोस्तों वो 49% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो 5 साल का एवरेज है वो 37% है, ये भी अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे दोस्तों जो मेरे को कंसर्न लगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेगेटिव चीज़ें हैं। नंबर 1, इसका प्रॉफिट पिछले साल में बहुत कम रहा है, ये मान लीजिए लगभग नेगेटिव में रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका कम होता चला जा रहा है, 2018-19 में तो बहुत ही कम हो गया है दोस्तों। तो इन स्टॉक्स में दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए अभी एचईजी में, मैं ये कहता हूं आपको कि अभी तो यहां पे आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कहीं भी डिमांड की कोई भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि डिमांड बढ़ने वाली है स्टील इंडस्ट्री में। जब तक स्टील इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू नहीं हुई तब तक इन शेयर में भी ग्रोथ नहीं आएगी दोस्तों। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा इनसे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि इनको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ समय बाद दोस्तों जब सिचुएशन सुधर जाएगी तब यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। स्टील इंडस्ट्री जैसी अच्छा काम करना शुरू करेगी, ये शेयर भी दोस्तों अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ग्रेफाइट इंडिया की तरफ। ग्रेफाइट इंडिया भी सेम काम करती है दोस्तों, इलेक्ट्रोड्स बनाती है और वेल्डिंग इक्विपमेंट बनाती है, और स्टील इंडस्ट्री में काम आते हैं दोस्तों इसके इलेक्ट्रोड्स। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों 3,017 करोड़ रुपए से ऊपर का है। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 154, और पिछले 3 या 4 दिनों से इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। अपर सर्किट इसलिए लग रहे हैं दोस्तों 5-5% के, कि 27 मार्च 2020 को इसके प्रमोटर ने खुद शेयर खरीदे हैं, यानी कि प्रमोटर को भरोसा है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अर्निंग पर शेयर है दोस्तों इसका 22 का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिंगल डिजिट में दोस्तों 6.97 का, 52 वीक का हाई बनाया था 479 और 52 वीक का लो बनाया दोस्तों 103 का। तो ये भी लगभग दोस्तों अपने 52 वीक के करीब, 52 वीक का जो लो है उसके करीब ही ट्रेड कर रही है दोस्तों। आरओई देख लेते हैं दोस्तों 77% का है, और आरओसीई इसका 110% का। वहीं अगर इसकी बात कर लें, पिछला जो 5 सालों का एवरेज है आरओसीई का वो 38% का है दोस्तों, और रिटर्न ऑन इक्विटी का जो एवरेज है 5 सालों का वो है 27%। डिविडेंड यील्ड, इस स्टॉक की सबसे अच्छी जो बात है दोस्तों वो है इसका डिविडेंड यील्ड। ये उन स्टॉक्स में भी आता है जो सबसे अच्छे डिविडेंड देते हैं दोस्तों। मेरे पास भी इस कंपनी के शेयर थे दोस्तों, और उसमें क्या था कि डिविडेंड मेरे को मिला था पिछले साल लगभग 55 रुपए या ऐसी कुछ इस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था पर शेयर पे। तो बहुत हाई डिविडेंड दोस्तों ये कंपनी देती है, और अच्छी डिविडेंड यील्ड देने वाली ये कंपनी है। डिविडेंड यील्ड देख लीजिए इसका 12.31% है दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं दोस्तों आपको। इस कंपनी का भी प्रॉफिट और साथ ही साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले 1-2 सालों में कम होता चला जा रहा है दोस्तों। एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ दोस्तों इससे क्या होगा कि आप लोगों तक हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी, सारे वीडियो अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगा दोस्तों और अच्छे वीडियोज अब बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका 5 साल का डेटा देख लेते हैं। 5 साल पहले 2015 में ये ट्रेड कर रहा था लगभग 86 रुपए पे, और अभी ये लगभग ट्रेड कर रहा है दोस्तों 154 रुपए पे, यानी कि इसने 5 सालों में 2 गुना रिटर्न दे दिए अपने शेयर होल्डर को। और वहीं 2017-18-19 में देख लेते हैं तो कितने अच्छे रिटर्न इसने दिए थे, लगभग 1200 तक ये गया था दोस्तों यहाँ पे 2018 के लास्ट और 2019 की शुरुआत में दोस्तों।
यानी कि इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं 2017-18-19 में। लेकिन वही मैं जो बात मैंने एचईजी के टर्म्स में बताई थी कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस का कोई भी गारंटी नहीं है, आप लोगों को खुद एज्यूम करना होता है, खुद अपनी एनालिसिस करनी होती है, तभी जाके आप लोग एक लेवल पे पहुंच पाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसका सेंसेक्स के साथ कंपैरिजन करते हैं कि किस तरह के रिटर्न इसने दिए और किस तरह के रिटर्न सेंसेक्स ने दिए हैं। एक दिन का रिटर्न सेंसेक्स का दोस्तों 0.58 का, इसने 5% का। एक वीक का दोस्तों बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, कि जो मैंने आपको बताया था कि ये लग 3-4 दिनों से लगातार इसमें क्या चल रहे हैं, अपर सर्किट लग रहे हैं। सेंसेक्स ने 5.76% और इसने 15.74% के। 1 मंथ में दोस्तों सेंसेक्स ने दिया -20 के, इसने -27 के। 1 ईयर में सेंसेक्स का -22, इसने -65। इसने भी बहुत माइनस रिटर्न दिए हैं पिछले 1 साल में। अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 साल पहले ग्रेफाइट इंडिया में दोस्तों इन्वेस्ट कर दिए होते 1 लाख रुपए, तो इसने अभी उनको बना दिया होता 35,000 रुपए, जो कि बहुत ही नेगेटिव है दोस्तों। 3 साल में दोस्तों सेंसेक्स ने दिए हैं 0.63% के, और वहीं ग्रेफाइट इंडिया ने दिए हैं 27.22% के। 10 साल में सेंसेक्स ने दिए दोस्तों 68.76 के, और ग्रेफाइट ने दिए 71 के। यानी कि 3 साल और 10 साल में जब हम लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा कंपेयर करें तो सेंसेक्स से अच्छे रिटर्न दिए हैं ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों। तो ये तो रही बात दोस्तों इनके, इन दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल हेल्थ के, इनके डेटा के बारे में, और ग्रेफाइट इंडिया के बारे में मैंने बताया दोस्तों कि प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है दोस्तों, जो कि उनको लगता है कि हो सकता है कि ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे। अब ये बात है दोस्तों जो मैंने कहा था आपको, जिस तरह से मैंने इसके थंबनेल में लिखा हुआ था कि क्या करना चाहिए, आप लोग दोस्तों अभी इन कंपनियों से बचें, अभी मतलब थोड़ा सा वेट करें इनमें इन्वेस्ट करने के लिए, और इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, और साथ ही साथ ये देखते रहिए कि किस तरह का मूवमेंट चल रहा है, और ग्लोबल न्यूज़ पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब स्टील इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ना शुरू होगी तभी जाके ये शेयर ऊपर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इनका जो काम है इलेक्ट्रोड जो बनते हैं वो स्टील इंडस्ट्री में ही काम में आते हैं दोस्तों। तो जब स्टील इंडस्ट्री ही काम नहीं कर रही है अच्छे ढंग से, तो ये कंपनियां कैसे अच्छा काम करेंगी दोस्तों। तो यही है दोस्तों, अभी सही टाइम नहीं है इनमें इन्वेस्ट करने के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा अपना ध्यान लगाना होगा, पूरे ग्लोबल न्यूज़ देखनी होगी दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो ग्लोबल न्यूज़ जब भी आएगी जो भी होगा वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी दोस्तों वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, और दोस्तों खुद की रिसर्च कर लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।